हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ हमारे गोल्ड फिश टैंक सेटअप का, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से हमारी फीमेल फिश ने किया है भाई ब्रीड, और काफी ज्यादा एग्स यहाँ पे इसने ले किए हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी एग्स को ये खा रही है एक दूसरे को। तो आज आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने घर पे काफी इजिली ब्रीड करवा सकते हो गोल्ड फिश को। एंड एक मंथ में दो दो टाइम भाई हमारी फीमेल फिश जो है एग्स लेकर देती हैं, तो वो किस तरह से करती हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को आपने जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स में वीडियो लाता रहता हूँ। एंड इसके बाद हम चलेंगे हमारे मॉन्स्टर टैंक की तरफ, वहां का भी आपको अपडेट दे देंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये भाई हमारी सारी की सारी फिश ने यहाँ पे किए हैं एग्स ले, दो फिश ने किए हमारी सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ी वाली फीमेल, अभी भी इसको हमारा एक छोटा सा मेल जो है वो चेस कर रहे हैं। एंड एक रही हमारी ये वाली फीमेल जो कि आप देख सकते हो सामने। तो इन दोनों ने किए हैं भाई एग्स ले यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा एग्स इन्होंने ले कर दिए हैं, देख सकते हो अभी भी यहाँ पे खाए दिए हैं। एंड हमारा मेल यहाँ पे इनको अभी भी चेस करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने पूरे के पूरे एग्स यहाँ पे ले नहीं किए। हमने निकाल लिया था हमारी फिश को, हमने अलग से इनके एग्स को सेपरेट कर लिए, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ पे रखे एक्चुअली हमने इनको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इस फीमेल के, मैं साथ सोच रहा था हमारे बड़े वाले गोल्ड फिश का पेयर नहीं बना, छोटे वाले का बना, तो जिस वजह से हमने इसके एग्स नहीं निकाले। और इस तरफ आप देख सकते हो तो भाई ये रहे हमारे टॉप फिल्टर के ऊपर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे एग्स, एंड यहाँ पे भी दिख रहे होंगे थोड़े से, बट यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा एग्स। एंड इतने ज्यादा एग्स ले करती हैं भाई, ये देखे ग्लास के ऊपर तक एग्स जो है वो आ जाते हैं इनके, तो काफी ज्यादा ले करती हैं। एंड इनके एग्स मैंने कहाँ पे अलग किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए भाई यहाँ पे इनके एग्स को हमने किया है अलग, और यहाँ पे है हमारे ब्लू गोरामी फिश के प्राइस, जो कि आपको मैं दिखा दूं। इन्हीं के साथ एग्स को रखा हुआ है हमने। तो ये लाइट काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आप देख सकते हो, तो आपको दिख रही होगी काफी ज्यादा गंदा कर रही है भाई हमारी वीडियो, ऐसे आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगी। तो अब आपको सिर्फ दिखाते हैं हमारी कैमरा की लाइट से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, तो मैं बिल्कुल आपको बॉटम में दिखाता हूँ, और ये पानी के ऊपर पता नहीं क्या क्या आ रहा है भाई, एक ही दिन हुआ है वाटर चेंजिंग को। एंड इस तरफ आप देख सकते हो, तो वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ढेर सारे एग्स, और ये सारे के सारे अभी मैं नहीं बता सकता फर्टाइल या नहीं है। तो कल तक मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा कि कितने में से बेबीज आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं। एंड इन्हीं के साथ हमारे ब्लू गोरामी फिश के फ्राइज भी हैं, तो इसके लिए भाई हमने यहाँ पे इनको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस है, तो इनके साथ एग्स जो है वो हैच हो सकते हैं, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एंड इन्हीं के साथ हमारे ब्लू गोरामी फिश के फ्राइज भी हैं, तो देखते हैं भाई कि क्या वो एग्स पे अटैक करते हैं नहीं करते हैं, या फिर इनके बेबीज जब हैच होते हैं तब अटैक करेंगे या ना करेंगे। एंड उसी के साथ हम आपको हमारे ब्लू गोरामी फिश का पेयर भी दिखा दें, किस तरह से आप इनको भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इनका हल्का सा डिफरेंस बता दूं, कि अगर आप भी ब्रीड करवाना चाहते हो ब्लू ग्रामी फिश को, तो किस तरह आप एक पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुकी है हमारी फीमेल, वो जा चुका है हमारा मेल। फर्स्ट इनका आप कलर डिफरेंस कर सकते हो, स्ट्राइप्स काफी ज्यादा होती है मेल में, स्पॉट्स काफी ज्यादा होते हैं फीमेल में, काफी ज्यादा कम होते हैं। मेल आपका थिनर रहता है हमेशा, आपकी फीमेल के हिसाब से फीमेल आपकी काफी ज्यादा ब्रॉड रहेगी, काफी ज्यादा बड़ी लगेगी। एंड इसका बेली साइज भी हल्का सा बड़ा रहेगा आपके मेल के कंपेरिजन में। तो ये तीन डिफरेंस है भाई, जिस वजह से आप काफी इजीली इनको डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड ये देखिए भाई, ये है हमारा मेल ब्लू गोलामी, एंड इस तरफ हमारी फीमेल। तो इनके बेबीज हो चुके हैं हैच, एंड अब हमें वेट है भाई हमारे गोल्ड फिश के एग्स के हैचिंग का। तो देखते हैं कितने दिनों में वो हैच होते हैं, पहले हो चुके थे एक बार, बट हीटर टूटने की वजह से हमारे सारे के सारे फिश फ्राइज मर चुके हैं। तो चलिए छोड़ते हैं अब इनको, एंड आपको लेके चलते हैं हमारे मॉन्स्टर टैंक की तरफ, उसका भी आपको अपडेट देते हैं। तो इस तरफ आ चुका है हमारा मॉन्स्टर फिश टैंक, एंड काफी जल्दी भाई एक और टैंक आने वाला है हमारा, जो कि इससे काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। एंड सम फिल्टर का उसमें अगर पहले से ही जुगाड़ होगा भाई, तो हम वही लेके आने वाले हैं, क्योंकि सम फिल्टर आपके मॉन्स्टर टैंक में ही वही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टॉप फिल्टर दोबारा से खराब हो चुका है, हमें दोबारा पावर फिल्टर यहाँ पे यूज करना पड़ा, तो यहाँ का भी फिल्ट्रेशन हम काफी जल्दी चेंज करेंगे। बट उससे पहले भाई हम अपने न्यू टैंक सेटअप का यहाँ पे जुगाड़ करेंगे, एंड देखते हैं भाई कौन सा टैंक सेटअप हम यहाँ पे रखने वाले हैं। एंड उस टैंक में मैं सिर्फ रखने वाला हूँ हमारे ओस्कर फिश, एंड हमारा जायंट गोरामी फिश, एंड हमारे बिग साइज पैरेट फिश, क्योंकि बिग साइज आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इतनी ज्यादा बड़ी हमारी फिश नहीं है, तो वो स्पेशली आने वाला है हमारे मॉन्स्टर के लिए। एंड इस तरफ हम काफी जल्दी हमारा दूसरा सिल्वर अरवाना भी ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारे एलिगेटर गार्क फिश के साथ है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, वो दोनों बेबीज हैं भी, जिस वजह से अलग रखा हुआ है, काफी ज्यादा छोटा है ये वाला अरवाना, तो उसको काफी इजीली खा लेगा, जिस वजह से थोड़े टाइम बाद भाई हम उसको यहाँ पे करेंगे ऐड। एंड यहाँ पे रहेंगे हमारे अरवाना, एंड उसके साथ हमारे सिल्वर डॉलर, क्योंकि ये बिल्कुल हर्ट नहीं करते हमारे सिल्वर डॉलर फिश हमारे अरवाना फिश को। एंड हमारा पाकू भी वैसे हर्ट नहीं करता है, इसका पेयर भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट करना है यार, बट इसका पेयर हमें कभी नहीं मिलने वाला, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, इस
साइज का पाकू फिश मिलना यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई। एंड इसी तरफ आप देख सकते हो, तो इसके साथ हमने पहले जाइंट गुरामी फिश को रखा हुआ था, तो इसने इसके सारे के सारे स्केल्स को निकाल दिया था, बट अब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर चुका है हमारा पाकू दोबारा से। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर से बताने, एंड मोशर टैंक के लिए भाई आपने हमें कमेंट करके ज़रूर से बता देने कि आप देखना चाहते हो न्यू मोशर टैंक, कौन से फिश उसमें आप देखना चाहते हो, क्योंकि हम उसमें सिर्फ करने वाले हैं जॉइंट सेट, तो आपने हमें कमेंट करके बता देने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।